रीवा जिले के हनुमना थाना पुलिस ने एक आदिवासी नाबालिग लड़की का अपहरण कर गैंगरेप करने वाले एक आरोपी सहित दो नाबालिगों को गिरफ्तार किया है और न्यायालय में पेश कर दिया है। तीनों आरोपियों ने मेले से लौट रही लड़की को जबरन उठा लिया और उसके बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। सरकार और पुलिस की सख्त कार्यवाही के बाद भी दुष्कर्म की घटनाएं कम नहीं हो रही है। आए दिन कोई न कोई बेटी दरिंदगी का शिकार होती जा रही है। ताजा मामला हनुमना थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर रविवार देर शाम मेले से अपनी चचेरी बहन के साथ लौट रही नाबालिग आदिवासी युवती को आरोपियों ने अपहरण कर जंगल ले गए, जहां उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी बालिका को दी गई। पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल कराया है, जिसमें हैवानियत सामने आई है। परिजनों ने पहले विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन जब विवाह का प्रस्ताव बालक ने ठुकरा दिया तो मामले की शिकायत पुलिस में की गई। पुलिस ने आरोपी शिवकरण गौड़ सहित दोनों अपचारी बालकों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने पॉस्को एक्ट सहित अपहरण, बलात्कार जैसे गंभीर मामले दर्ज किए हैं और आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया है। कल पुलिस थाना हनुमाना में एक बच्ची ने अपने परिजनों के साथ आगे रिपोर्ट की थी, जो आदिवासी समुदाय की है, कि उसके साथ जब वो अपनी चचेरी बहन के साथ अमरता मेले में गई हुई थी, वहाँ से वापस आ रही थी, रास्ते में कुछ सुनसान पड़ता है, तो शाम के आसपास की बात है। उस समय कुछ लड़के आए और उनको छेड़छाड़ करने लगे, झूमर अटकी करके ले जाने का प्रयास करने लगे। तो एक जो लड़की थी वो तो वापस अपने घर आ गई, लेकिन एक लड़की थी और उसका कहना है कि उसको हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती ले गए और जंगल की तरफ ले जाके उसके साथ गलत कार्य किया। और उसके बाद फिर लड़की रात के 12 बजे अपने किसी रिश्तेदार के पास पहुंची वहां, और उसके बाद सुबह अपने माता पिता के साथ थाने आई। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर लिए और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा SDP हनुमना के नेतृत्व में थाना प्रभारी और अन्य स्टाफ के साथ एक टीम बनाई गई, जिसमें आरोपी को पकड़ धकड़ के लिए लगाया गया। और इसके बाद फिर पुलिस ने चंद घंटों के बाद ही आरोपियों को दस्तयाब कर लिया। उसमें आरोपी में से एक आरोपी 22 वर्ष का है, बाकी दो आरोपी भी नाबालिग हैं, जिसमें लड़की की उम्र भी 17 साल है। उसमें जो दो आरोपी हैं, एक 16 साल का, एक 17 साल का है, और एक आरोपी है जो शिवकरण, वो बालिग है। तीनों आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ये बच्ची को मेडिकल जो हुआ है, उसके बच्ची के मेडिकल में सब चीज़ आई है, दिखाई भी दे रहा है किस तरह की हरकतें की हैं। और जो आरोपी भी हैं वो भी उसी समुदाय के हैं और पास के गांव के ही रहने वाले हैं। और पहले परिजनों ने प्रयास किया था कि वो शादी कर लें, जब उन्होंने शादी नहीं की तो उसके बाद रिपोर्ट की, लेकिन बच्ची की हालत देख के ऐसा लग रहा था कि इसके साथ निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा हैवानियत दिखाई गई है उन नाबालिग बच्चों के द्वारा भी और जो औपचारी बालक हैं और इसके बाद जो बालिग है एक, उसके द्वारा भी। इसलिए पुलिस ने तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।